जय हिंद दोस्तों। दोस्तों आज हम जानेंगे कि रिपब्लिक डे यानी गणतंत्र दिवस क्यों मनाया जाता है, कब मनाया जाता है, कब से मनाया जाता है, कहां और कैसे मनाया जाता है और आखिर यह 26 जनवरी को ही क्यों मनाया जाता है। तो आइए फिर गणतंत्र दिवस के बारे में सारी जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। सबसे पहले जान लेते हैं कि इंडिपेंडेंस डे यानी स्वतंत्रता दिवस और रिपब्लिक डे यानी गणतंत्र दिवस के बीच में क्या अंतर है। स्वतंत्रता दिवस यानी 15 अगस्त 1947 जिस दिन अंग्रेज हमारे देश को छोड़कर चले गए थे यानी हम आज़ाद हो गए थे, परंतु फिर भी हमें स्वेच्छा से कहीं आने जाने, कुछ भी बोलने या कोई संगठन बनाने की स्वतंत्रता नहीं थी। मतलब अंग्रेज तो हमें छोड़कर चले गए थे लेकिन हम अब भी गुलाम थे, तो इस गुलामी को आज़ादी में बदलने के लिए एक कानून की आवश्यकता थी जो ये बता सके कि हमारे देश से अस्पृश्यता यानी अनटचेबिलिटी ख़त्म हो गई है और हमारे देश में हम कहीं भी घूमने के लिए स्वतंत्र हैं और हम कहीं भी घर या ज़मीन खरीद सकते हैं। हमारे ऊपर हमारे देश की गवर्नमेंट के एग्जीक्यूटिव्स कोई भी गलत कानून नहीं लगा सकते हैं जैसे अंग्रेज करते थे। तो इन सब कमियों को दूर करने के लिए हमारे देश के बहुत से नेताओं ने मिलकर दिन रात मेहनत करके एक संविधान बनाया जिसे डिक्लेयर किया गया 26 जनवरी 1950 को यानी 26 जनवरी 1950 को। तो इस दिन एक तरह से हम वास्तविक रूप से स्वतंत्र हुए और हमें कहीं भी आने जाने, ज़मीन खरीदने, संगठन बनाने, व्यवसाय करने, अपने विचार प्रकट करने की यानी हर प्रकार की आज़ादी मिली। साथ ही हमें यह भी पता चला कि अगर कोई हमसे जाति, धर्म, रंग, पहनावे, लिंग या भाषा के नाम पर भेदभाव करेगा तो हम उसे न्यायालय में चुनौती दे सकते हैं और अगर आवश्यकता पड़े तो सुप्रीम कोर्ट तक भी लेकर जा सकते हैं। तो ऐसा है हमारा संविधान जिसे लागू किया गया हमारे रिपब्लिक डे यानी गणतंत्र दिवस पर 26 जनवरी 1950 को। और तब से 26 जनवरी को हर वर्ष हम अपना रिपब्लिक डे मना रहे हैं। आइए दोस्तों अब हम थोड़ी देर के लिए चलते हैं 1930 में। लाहौर में कांग्रेस का एक सेशन हुआ और उस दिन पंडित जवाहरलाल नेहरू ने सबसे पहले पूर्ण स्वराज्य की मांग की। मतलब उन्होंने मांग की कि हम पूर्ण स्वतंत्रता चाहते हैं और वो दिन था 28 दिसंबर 1929। उसके बाद सभी देशवासियों में जोश आ गया कि अब हमें संपूर्ण स्वतंत्रता ही चाहिए और समस्त देशवासियों की भावनाओं को सर्वोपरि रखते हुए 26 जनवरी 1930 को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने लाहौर में रावी नदी के किनारे फ्लैग होस्टिंग की। मतलब पहली बार आसमान में तिरंगा लहरा रहा था कब, 26 जनवरी 1930 को। और तब से हम इस दिन को सिंबॉलिक इंडिपेंडेंस डे यानी प्रतीकात्मक स्वतंत्रता दिवस के नाम से हर साल मनाने लगे। फिर 15 अगस्त 1947 यानी 15th of August 1947 को हमें आज़ादी मिली और तब हमारी अपनी डेमोक्रेसी के लिए यानी पब्लिक राज्य करे उसके लिए देश का अपना कानून बनना जरूरी था ताकि फिर से हमारे ऊपर कोई राज्य ना कर सके। उसके लिए संविधान बनाने की कवायद शुरू हो गई और 2 साल 11 महीने और 18 दिन में 13 छोटी बड़ी कमेटियों ने एक साथ मिलकर काम किया जिनके चेयरमैन थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और इनमें सबसे मुख्य कमेटी जो थी वो ड्राफ्टिंग कमेटी थी। इसी कमेटी ने संविधान को अंतिम रूप दिया था। इसके चेयरमैन थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जिन्हें संविधान का जनक कहा जाता है। इन सब ने मिलकर दिन रात कड़ी मेहनत की और दुनिया का सबसे बड़ा लिखित संविधान 26 नवंबर 1949 यानी 26th of November 1949 को तैयार कर दिया। इसे दो भाषाओं में लिखा गया, हिंदी और इंग्लिश।
और इसकी मूल प्रतियों को संसद के पुस्तकालय में हीलियम ताबूत में संरक्षित करके रख दिया गया है, लेकिन इसे लागू करने की डेट 26 जनवरी 1950 यानी 26 जनवरी 1950 रखी गई, क्योंकि इस दिन हम सिंबॉलिक इंडिपेंडेंस डे मनाते थे और अपना संविधान मिलने के बाद हम सचमुच आज़ाद होने वाले थे। और तब से हर वर्ष 26 जनवरी को राजपथ नई दिल्ली में सेलिब्रेट करते हैं। दोस्तों, राष्ट्रपति भवन से इंडिया गेट तक की दूरी को राजपथ कहते हैं, तो रिपब्लिक डे राजपथ पर सेलिब्रेट किया जाता है, लाल किले पर नहीं। और इस दिन फ्लैग होस्टिंग करते हैं हमारे देश के राष्ट्रपति यानी प्रेसिडेंट, और फिर इन्हें 21 तोपों की सलामी दी जाती है। इसके बाद इस दिन पद्मश्री, पद्म भूषण और सबसे बड़ा पद्म विभूषण अवार्ड दिए जाते हैं। गैलेंट्री अवार्ड्स यानी वीरता पुरस्कार, जो कि कीर्ति चक्र, अशोक चक्र और परमवीर चक्र हैं, भी इसी दिन हमारे राष्ट्रपति के द्वारा दिए जाते हैं। इसके बाद हमारे सैन्य पराक्रम का प्रदर्शन हम राजपथ पर करते हैं और बहुत सी झांकियां निकालते हैं जो अलग अलग प्रदेशों और विभागों का प्रतिनिधित्व करती हैं। देश के सभी प्रदेशों और केंद्र शासित प्रदेशों यानी यूनियन टेरिटरीज के हेडक्वार्टर्स पर और सरकारी कार्यालयों पर रिपब्लिक डे के दिन ऐसे ही कार्यक्रमों का आयोजन किया जाता है। गणतंत्र दिवस समारोह 3 दिन तक चलता है और तीसरे दिन बीटिंग द रिट्रीट के बाद इसका समापन होता है। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि हमारे प्रथम गणतंत्र दिवस के मुख्य अतिथि कौन थे? जी हाँ, तो वो थे इंडोनेशिया के राष्ट्रपति सुकर्णो, और उन्होंने हमारे देश की पहली परेड देखी थी। तो दोस्तों, मुझे लगता है रिपब्लिक डे से रिलेटेड आपके सभी डाउट्स मैं क्लियर कर पाई हूँ। अगर कोई डाउट हो तो कमेंट करके मुझे बता दें, और आप अन्य किस विषय पर मेरी वीडियो देखना चाहते हैं ये भी कमेंट करके मुझे बता दें। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना ना भूलें और शेयर भी कर दें, और साथ ही मेरा चैनल सब्सक्राइब भी कर लें और बेल आइकन भी दबा दें, ताकि मैं जब भी वीडियो अपलोड करूं आप तक इसकी जानकारी पहुंच जाए। धन्यवाद दोस्तों, अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें, खुश रहें और अपनी लाइफ को एंजॉय करें।